अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। लेट्स स्टार्ट ओवर टुडेज वर्क। ओपन योर सोशल स्टडीज, ओपन योर एसएसटी रीडिंग बुक। एसएसटी रीडिंग बुक एंड द पेज नंबर इज 9। पेज नंबर 9, लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3, टॉपिक इज माई स्कूल। योर टॉपिक इज माई स्कूल। इस चैप्टर में हम माई स्कूल के बारे में रीडिंग करेंगे, जो कि हम पहले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसकी रिवीजन कर रहे हैं। सो लेसन नंबर 3, माई स्कूल, पेज नंबर 9। लेट्स स्टार्ट ओवर टुडेज वर्क, ओवर रीडिंग। अ स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी गेट एजुकेशन। कि एक स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पे हम तालीम हासिल करते हैं। वी स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट देयर, लाइक हम यहाँ पर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मुख्तलिफ मज़मून पढ़ते हैं, जैसा कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, इस्लामियात, सोशल स्टडीज़ एंड उर्दू। आपको पता है कि आप स्कूल में अपनी क्लास में ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिनमें आपके पास इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, इस्लामियात है, सोशल स्टडीज़ है और उर्दू। सोशल स्टडीज़ जिसको आप एसएसटी कहते हो और जिस बुक का इस टाइम आप वर्क कर रहे हैं, ये हमारे पास सब्जेक्ट हैं, हम ये सब्जेक्ट्स स्कूल में पढ़ते हैं। वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स इन स्कूल। हम स्कूल में बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखते हैं, लाइक जैसा कि गुड मैनर्स, अच्छे अखलाक, स्पोर्ट्स, खेल कूद और गेमें, डिसिप्लिन ETC और डिसिप्लिन वगैरह वगैरह। जैसा कि स्कूल में आपको गुड मैनर्स सिखाए जाते हैं, टीचर आपको बताती हैं कि जब टीचर ने क्लास में आना है तो आपने सलाम करना है, जब भी कोई बड़ा आपके सामने आए तो आपने खड़े होकर सलाम करना है, जब आपने ब्रेक टाइम अपना लंच करना है या कुछ भी खाना है तो आपने जो वेस्टेज है वो डस्टबिन में थ्रो करनी है, उनको अच्छी तरह से बिन करना है, आपने अपनी क्लास गंदी नहीं करनी, आपने जब सीढ़ियां चढ़ना या उतरना है तो सीढ़ियां चढ़ने और उतरने की दुआ पढ़नी है, क्लास में आने से पहले आपने टीचर से परमिशन लेनी है, क्लास से बाहर जाने से पहले आपने टीचर से परमिशन लेकर जाना है, जब किसी से चीज़ कोई मांगनी है तो एक्सक्यूज़ मी कह के बुलाना है, काइंडली कह के चीज़ मांगनी है, प्लीज़ कहना है, जब चीज़ वापस करनी है तो उसको थैंक यू कहना है, जब आपने कोई गलती की है तो आपने उस पर सॉरी करना है। ये सारे के सारे मैनर्स आपको स्कूल में सिखाए जाते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स यानी बहुत सारी गेम्स आपको स्कूल में करवाई जाती हैं, पढ़ाई के साथ साथ आपको इंटरटेन करने के लिए वहाँ पर गेम्स भी सिखाई जाती हैं। डिसिप्लिन, हमारे मैनर्स में हमारा सारा डिसिप्लिन आता है कि आप किस तरह क्यू बना के स्कूल में एंटर होते हैं, किस तरह क्यू में आप कैंटीन में से चीज़ लेते हैं या किस तरह बाहर जाते हैं, ये सारा हमारे डिसिप्लिन में शामिल है। पीपल इन स्कूल यानी स्कूल में कौन कौन से लोग होते हैं। प्रिंसिपल इज़ द मोस्ट सीनियर पर्सन इन अ स्कूल, यानी जो हमारी मैम हैं, जो हमारी प्रिंसिपल हैं, वो सबसे सीनियर हैं स्कूल में। शी सुपरवाइजेज ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वो तमाम की तमाम स्कूल में जो टीचर्स होती हैं या स्टूडेंट्स होते हैं उनकी निगरानी करती हैं, कोई भी गाइडलाइन हो उन्हें प्रोवाइड करती हैं, उनकी निगरानी करती हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह से पढ़ रहे हैं या टीचर्स किस तरह से उनको करवा रही हैं क्लियर। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाते हैं टीचर्स। टीचर हेल्प्स चिल्ड्रन टू एजुकेट एंड परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। अब टीचर क्या करते हैं कि टीचर बच्चों की मदद करते हैं पढ़ने में, तालीम हासिल करने में और मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में उनकी हेल्प करते हैं। अब आपने देखा होगा कि हमारे पास भी क्लास में जो स्क्रैप बुक है उस पर जो भी किसी किस्म की हम एक्टिविटी बनाते हैं उसमें टीचर आपकी हेल्प करती है कि आपने एक्टिविटी किस तरह से करनी है। अगर आप बैक पेज पर आए तो ये भी हमने एक्टिविटी की थी, हैंड बनाया था और हमने बताया था कि आपकी फैमिली के कितने मेंबर हैं, आपने हैंड बनाना है या कोई भी और चीज़ ड्रा कर सकते हैं जिसमें आपकी फैमिली मेंबर्स की नंबरिंग शो हो रही हो। तो प्रिंसिपल जो है वो स्कूल के बाकी मामलों को भी देखती हैं और टीचर्स और स्टूडेंट्स की निगरानी करती हैं,
जबकि टीचर्स जो हैं वो आपको एजुकेट करने में हेल्प करते हैं, तालीम हासिल करने में और डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ करने में मदद देते हैं। दिस इज़ योर पेज नंबर 9। आज आप सिर्फ पेज नंबर 9 करेंगे। योर टॉपिक इज़ माई स्कूल। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।